गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैपमैक्स आपके लिए लेके आया है मोस्ट एडवांस इंटरेक्टिव पैनल, जिसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड 14, 8 GB रैम, 128 इंटरनल स्टोरेज। जो मॉडल है इसका नाम है कैपमैक्स प्रीमियम 14। इसमें आपको जो ऑप्शन मिलते हैं, दो व्हाइट बोर्ड के ऑप्शन मिलते हैं, तो आज मैं बात करूंगा इसके AI बेस्ड व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं, जो आपका PPT या PDF बनाने में लगता है, उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करने में लगता है, उससे रिलेटेड कंटेंट और क्वेश्चन आंसर बनाने में लगता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक बताता हूँ। जैसे मेरा आज एक टॉपिक है जिसके बारे में अगर मैं आज पढ़ाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटी, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में कुछ लिखता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये AI का ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर ग्रेविटी से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर देगा। आप यहां देख सकते हैं, उससे रिलेटेड मेरा कंटेंट क्रिएट हो चुका है, उससे रिलेटेड मेरे क्वेश्चन आंसर रिलेट हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर के अंदर भी मैं क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक और हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ क्लास 7th ले लेता हूँ और मैं अपना लेवल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेवल से या एडवांस लेवल तक के मैं क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूँ। साथ ही मुझे 5 क्वेश्चन चाहिए या 10 क्वेश्चन चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं 5 क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे ही जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो जनरेट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मुझे ये ग्रेविटी से रिलेटेड क्लास 7th ग्रेड के हिसाब से मुझे 5 क्वेश्चन ये जनरेट करके दे देता है। देखिए यहाँ से 1:5, जिसके मुझे 4 ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो जैसे ही मैं की एंड एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे इसका ये राइट आंसर विद एक्सप्लेनेशन ये बता सकता है। अब एक ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो जाता है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सिर्फ जो कंटेंट क्रिएट हुआ है मुझे उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे इस कंटेंट को क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, और ड्रैग करने के बाद इस कंटेंट को मैं पोजीशन करने के बाद, पेन सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरा कंटेंट को लेके, पढ़ाने को लेके बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें। सेकेंड, मैं आपको और भी ऑप्शन इसमें दिखा देता हूँ। इसमें आपको मिलती है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से रिलेटेड क्लास 7th में आप देख सकते हैं ये हमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लास 12 से रिलेटेड कुछ अगर एग्जाम्पल इसमें होंगे तो वो हमें, या क्लास 11 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमें यहाँ मिल सकते हैं। इमेजेस, गूगल इमेजेस का ऑप्शन है यहाँ पे जो हमने यहाँ सेलेक्ट करा, तो गूगल इमेजेस को भी आप यहाँ पे ड्रैग करके डायरेक्टली इसके बारे में आप पढ़ा सकते हैं और इसके बारे में आप डिटेल में समझा सकते हैं। तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है किसी भी तरीके के कंटेंट को बनाने में और समझाने में। दूसरा, इसमें हमें जो ऑप्शंस मिलते हैं, इसके मल्टीपल पेन है। मैं एक छोटा वीडियो रखूंगा ताकि जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे पाऊँ। इसमें हमें जो ये ऑप्शंस मिलते हैं, एक बड़ा अच्छा टूल है FX टूल, यानी फार्मूला पेन। अब इसकी हेल्प से अगर मैं कुछ भी कैलकुलेशन करता हूँ, एक इजी इक्वेशन मैंने ले ली है, तो ये ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन को सॉल्व कर देता है और हमें यहाँ पे आंसर दे देता है। अब इससे रिलेटेड अगर मैं फिर से कुछ कंटेंट जनरेट करना चाहता हूँ, तो वो उससे कंटेंट जनरेट भी कर सकता है, उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको जनरेट करके दे सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फीचर, एडवांस फीचर्स के साथ इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसका मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसमें आपको मिलता है ये फ्री हैंड शेप्स, तो फ्री हैंड शेप्स की हेल्प से आप कुछ भी शेप्स जो हैं इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से आप देखें यहाँ पे, तो अगर मैं कोई भी शेप यहाँ पे लेता हूँ तो ये इस शेप को इजीली डिज़ाइन कर देता है। अभी तक के वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में प्री इंस्टॉल्ड शेप्स होती थी, तो हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल पाते थे शेप्स को लेके, तो इस बोर्ड में हम फ्री हैंड शेप्स की हेल्प से भी बहुत सारे शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करता हूँ, ये बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। ये आपको इसमें सिमुलेशंस मिल जाती हैं, सिमुलेशंस की हेल्प से आप अपने स्टूडेंट के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पढ़ा सकते हैं। सिमुलेशंस बेसिकली ये टू वे होती हैं, तो स्टूडेंट
आपका इसके बारे में प्रैक्टिकली यहाँ बोर्ड पे आके इसको सिमुलेट कर सकता है। तो आपका क्लास से रिलेटेड फर्स्ट क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक की सिमुलेशन यहाँ पे अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इंग्लिश, साइंस, तो इससे रिलेटेड सारी सिमुलेशन यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही आपको इसमें मिलता है 3D टूल, तो 3D ऑब्जेक्ट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एक्चुअली बहुत सारा इसमें फीचर्स है, बहुत सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, तो एक वीडियो में बताना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे 3D के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ, देखिए ये आपके 3D जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पीरियोडिक टेबल का। दोस्तों पीरियोडिक टेबल, ये इंटरैक्टिव पीरियोडिक टेबल है, ये सिर्फ इमेज नहीं है, ये सिर्फ फोटो नहीं है। अब इस पीरियोडिक टेबल की हेल्प से आप देखेंगे मुझे जिस भी फॉर्मूला के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो मैं सिर्फ उस पर क्लिक करूँगा, अब वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दे देता है, उसकी इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, बाकी सारी चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़। तो आपका इतना समय बचता है, आपकी इतने एफर्ट बचते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही एडवांस AI फीचर है। और साथ ही इसका मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे, जो इसका जो वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, इसके वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप और क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो ये इसका वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, वो तो हमारा AI सॉफ्टवेयर हो गया, उसका डिटेल्ड ट्यूटोरियल जो है वो मैं शॉर्ट छोटे छोटे फॉर्म में आपको इसी चैनल पे मैं दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा और डिटेल में फीचर्स को समझ सकें। अब ये इसका अपना एक वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। अब इस वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है, या इस पैनल की खास बात क्या है, कि ये पैनल का जो वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसका हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको इसमें लैग बिल्कुल भी नहीं मिलता, जो टीचर की या पढ़ाने वाले की सबसे पहली और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मेरी फिंगर बिल्कुल टच होके यहाँ पे चल रही है, तो आप देख सकते हैं लैग बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, चाहे हल्की थिकनेस वाला पेन हो, चाहे ज़्यादा थिकनेस वाला पेन हो, इवन जब आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है, आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट करें, आप हमसे ऑनलाइन डेमो लें। मेरा ऑफिस है नोएडा सेक्टर 63 में, तो जब भी आप अगर आना चाहें तो आप विजिट प्लान कर सकते हैं। पैनल वहाँ पे डेमो पे लगा हुआ है, तो आप वहाँ पे आके डेमोस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। इन सभी फीचर्स को आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं, अपने हाथ से चला के देख सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स हैं। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि डिटेल में पूरी जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। डेमोस्ट्रेशन के लिए आप अगर तो आउटस्टेशन से हैं, तो आप बेसिक पहले ऑनलाइन डेमो भी ले सकते हैं। अगर आप आना चाहें तो आप हमारे पास आके भी डेमो ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, कोई स्पेसिफिक फीचर आप जानना चाहें कि इस पैनल में या इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।